हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जो कि सेट 32x5x2 की है, जिसको मिस्टर संजय सर ने आपको क्या किया था, अभी एक्सप्लेन किया था। यहां पे मैं केवल आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूं एमसीक्यू के, और अगर किसी बच्चे को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो पिछली वीडियो है वो एसएसटी के एक्सपर्ट सर मिस्टर संजय जी हैं जिन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था। आप वहां जाके उसका रीजन भी देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे 52x5x1 को, और इसके आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। सारे क्वेश्चन सेम है, बस नंबरिंग क्या है आपकी डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, बाइबल। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपका वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन थर्ड का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, कमर्शियल फार्मिंग यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की, मेमोरी बेस्ड है तो क्वेश्चन नंबर आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा 1972। और क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर आपका बी आएगा, माइनिंग। और क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो सिंघाला आपकी जो लैंग्वेज है वो आपका यहाँ पे आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट इसमें क्या है, उन्होंने जो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट, तो इसमें आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये करेक्ट है, तो इसलिए आपको ऑप्शन बी यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करें तो दोनों एसर्शन रीजन जो है वो सही है और एक दूसरे का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ऑप्शन डी आएगा, इट डज नॉट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आपका आंसर आएगा 10060। इसका एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 59% आएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ बात करें तो आपका ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 16 में इस टेबल के बेस पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डी आपका आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यू के आंसर प्रोवाइड किए हैं, इनको आप मैच कर सकते हैं, दे ऑल आर करेक्ट, तो यहाँ से आप अपने आंसर की बना सकते हैं। क्या कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 20 आते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो भी क्वेश्चन आप मेंशन करें, उसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।